शहर के चर्चे जुआ तथा वरली मटका अड्डा संचालक अशोक यादव बाबाजी की गिरफ्तारी को काफी रहस्यमय बताया जा रहा है। दो दिन पहले पुलिस ने बाबाजी को बाला बिनेकर हत्याकांड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था और देर रात तक उससे पूछताछ भी हुई थी। इसके ठीक तीसरे दिन अशोक यादव को अपने साथियों के साथ डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाबाजी नंबर दो के धंधों के मामले में कुख्यात है और उसकी गिरफ्तारी का विरोध भी नहीं है, लेकिन पूछताछ किसी अन्य मामले में और गिरफ्तारी डकैती के प्रयास के आरोप में या कुछ समझा नहीं है। क्राइम ब्रांच यूनिट टीम ने बाबाजी और उसके चार साथियों को विगत रात घातक शस्त्रों मिर्ची पाउडर के साथ लालगंज खैरीपुरा में थर दबोचा। बाबाजी जुआ और सट्टे से इतर डकैती की कोशिश कर रहे, यह बात कई लोगों को हसम नहीं हो रही थी, लेकिन यह सच है। सवाल यह है कि आखिर अशोक यादव और उसके साथी कहां डकैती डालने जा रहे थे। अशोक यादव के साथ पकड़े गए कुछ आरोपी आपराधिक छवि वाले भी है। एक आरोपी पर हत्या का प्रकरण भी दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों में अशोक बाबाजी, शेख वकील शेख मजीद, अभय धनराज देश पांडे, राहुल रघुनाथ पौनीकर और विजय हरिश्चंद्र चौहान का समावेश है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने भी सभी आरोपियों को एक दिन की पुलिस रिमांड दी है। अब एक बार गिरफ्तार में आने के बाद अशोक यादव से बाला बिनेकर हत्याकांड में भी पूछताछ हो सकती है। इससे पूर्व भी उसे पूछताछ हुई थी, अब तो वह अपराधी बनकर क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से करीब 40,000 रुपयों का माल भी जब्त किया गया है। वह किसी स्थान पर डकैती की तैयारी में जुड़े थे। अशोक बाबाजी का खुद का वर्ली सट्टा भी नागपुर के अलावा विदर्भ के अन्य शहरों व पड़ोसी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में चलाने की जानकारी है। उसके शहर में कई जगह जुआ अड्डे भी है। बाबाजी के अड्डे पर पुलिस की आवाजाही अक्सर लगी रहती है। उसके यहाँ कई बार छापे पड़े हैं। अधिकांश छापों के भनक पहले ही लग जाने से वह हाथ नहीं लगा। उसे तड़ीपार भी किया जा चुका था। बाबाजी व उसके साथियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई डीसीपी गजानन राजमा ने एसीपी सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में पीआई विनोद चौधरी और अन्य पुलिस स्टाफ द्वारा की गई है। 3/10/2020 रोजी आम्ही पुलिस स्टेशन पाचपौलीच्या हद्दीमध्ये लालगंज खरीपुरा या भागामध्ये रात्री आम्ही गुन्हेगारांच्या शोधात पेट्रोलिंग करीत होतो, तेव्हा मला गुप्त बातमी मिळाली की शीतलामाता मंदिरजवळ रेल्वे लाईनजवळ लालगंज खैरीपुरा येथे काही लोक संशयास्पद स्थितीमध्ये बसलेले आहेत। त्या अनुषंगाने आम्ही दोन पंचांना घेऊन तिथं पोलीस स्टाफसह तिथे सापळा लावून रेड केला होता। तिथे एकूण आम्हाला 5 इसम मिळून आलेले होते। त्यांच्याकडे आम्ही झडती घेतली असता आम्हाला लाकडी दांडका, 2 चाकू, नायलॉन दोरी, मिरची पूड अशा प्रकारचे शस्त्र त्यांच्याकडे मिळून आले। त्यांना त्यांचे नाव पत्ता विचारले। त्यांनी आपले नाव अशोक उर्फ बाबाजी चंपालाल यादव आणि त्याचे 4 साथीदार, हे 4ही इसम हे सराईत गुन्हेगार आहेत। अशोक बाबाजी याच्या अगोदर पोलीस स्टेशन शांतीनगर हद्दीमध्ये जुगाराचा अड्डा चालत होता। यातील जो आरोपी आहे विजय हरिचंद चव्हाण हा आताच काही दिवसाअगोदर मर्डरमध्ये सुटून आलेला होता। त्याच्यानंतर त्याने पुन्हा एक अपहरणाचा गुन्हा केला होता, गुन्ह्याकरता अपहरणाचा गुन्हा केला होता। त्यात त्याला आम्ही अटक केलेली होती। त्याही गुन्ह्यातून तो जामीनवर सुटून आलेला होता। आणि हे सर्व आरोपी एक कोणता तरी गंभीर प्रकारचा गुन्हा करण्याच्या डकैती घालण्याच्या तयारीमध्ये होते आणि तिथं ते प्लॅनिंग करत होते। तरी त्यांना आम्ही अटक करून एक मोठ्या गुन्ह्यास आम्ही प्रतिबंध केलेले आहे। सध्या आरोपी अटक असून PCR मध्ये आहेत आणि पुढील तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN News, नागपूर।